हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज वीडियो रे में डिस्कस करबा जेल वर्ल्ड पाई इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। ओके, तो सेति पाई वीडियो टी को स्किप न करी स्टार्ट रु एंड पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ चैनल को फर्स्ट टाइम पाई विजिट करथिले एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। ओके, तो वीडियो टी को पॉज करी निजे सब क्वेश्चन रा आंसर गुड़ी को देबा पाई ट्राई करंतु। ओके, आउ टोटल रु केते स्कोर कले ताहा निश्चय कमेंट बॉक्स रे कमेंट माध्यम रे जणंतु। ओके, तो चलन तो स्टार्ट करबा। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तेबे इंडियन स्टेट रो किए होचंती प्रथम वुमेन चीफ मिनिस्टर। ओके, तो किए सर्वप्रथम वुमेन चीफ मिनिस्टर, तो एठारे करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन बी सुचेता कृपलिनी। ओके, तो सुचेता कृपलिनी होचंती इंडियन स्टेट रो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। ओके, तो से क्यों स्टेट रो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर होइतिले, तो से होचंती उत्तर प्रदेश रो चीफ मिनिस्टर। ओके, तो उत्तर प्रदेश रो चीफ मिनिस्टर होइतिले सुचेता कृपलिनी। ओके, आउ से होचंती फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया। तेबे फ्री इंडिया बा स्वाधीन भारतर प्रथम वुमेन गवर्नर माने प्रथम महिला राज्यपाल किए। तो भारतर प्रथम महिला राज्यपाल होचंती सरोजिनी नायडू। ओके, तो सरोजिनी नायडू होचंती फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया। ओके, तो से क्यों स्टेट रो फर्स्ट वुमेन गवर्नर होइतिले, तो से होइतिले उत्तर प्रदेश। ओके, ओके, आउ मन रखंतु सरोजिनी नायडू को कहा जाए नाइटिंगल ऑफ इंडिया, माने भारतर नाइटिंगल कहा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नेदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। तो जेते बेले वाइस प्रेसिडेंट किंबा प्रेसिडेंट न थिबे, तो सेते बेले प्रेसिडेंट का दायित्व किए नहीं थांती, प्रेसिडेंट भावरे किए कार्य तुलाई थांती। तो यहाँ करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो भारतर मुख्य विचारपति जे कि प्रेसिडेंट का दायित्व तुलाई थांती। ओके, तो से केते बेले यहाँ तुलाई थांती, तो जेते बेले प्रेसिडेंट किंबा वाइस प्रेसिडेंट न थिबे, तो सही समय रे प्रेसिडेंट का दायित्व नहीं थांती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारतर प्रथम मुख्य विचारपति बा चीफ जस्टिस किए थिले, तो यहाँ करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन ए एच ए कनिया। ओके, तो एच जे कनिया होचंती फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गैस इज कॉमनली नोन एज लैफिंग गैस। तो क्यों गैस को लैफिंग गैस बोली कहा जाए, तो यहाँ करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन टू नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, तो नाइट्रस ऑक्साइड को लैफिंग गैस बोली कहा जाए। ओके, तो सही पर क्लोरोफॉर्म जहाँ कि सेंसलेस करबा पई यूज होता है, यह को सुंघाइले जड़े व्यक्ति सेंसलेस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन हनी बी स्टिंग। तो हनी बी मानी होची मोहमाछी, तो मोहमाछी दंशन रे क्यों एसिड टी सिक्रेट होता है, तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन वन फॉर्मिक एसिड। ओके, तो हनी बी स्टिंग रे फॉर्मिक एसिड टी रहता है, तो यह सहित पिंपुड़ी रे मध्य फॉर्मिक एसिड टी रहता है, पिंपुड़ी चंदा एवं हनी बी। ओके, तो सब रे फॉर्मिक एसिड रही थे। ओके, तो से परी आस्कर्बिक एसिड, तो आस्कर्बिक एसिड क्यों थे थाए, तो यह रही थाए अंलारे। ओके, तो अंलारे आस्कर्बिक एसिड रही थाए, आउ ऑक्जालिक एसिड जहाँ कि पालंग शाग। यह मन रखु, तो फॉर्मिक एसिड जहाँ कि हनी बी स्टिंग रे रही थाए, तापर आस्कर्बिक एसिड जहाँकि अंलारे रही थाए, आउ ऑक्जालिक एसिड जहाँकि पालंग शाग रे थाए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू डैश कलर। तो जेते बेले गोटे प्रिज्म रे व्हाइट लाइट पास करा जाए तो सेते बेले ताहा केतोटी कलर रे स्प्लिट होय थाय। तो एहार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 2 7। ओके तो एहा 7 टी रंग रे स्प्लिट होय थाय। ओके आउ एहा कहार एग्जांपल अटे, तो एहा होची गोटे लाइट ऑफ डिस्पर्सन रो गोटे एग्जांपल। ओके द लाइट ऑफ डिस्पर्सन। ओके तो लाइट ऑफ डिस्पर्सन जो को गोटे व्हाइट लाइट को प्रिज्म रे पास करिवा द्वारा तहा 7टी रंग रे स्प्लिट होइते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गैस इज यूज इन द सिगरेट लाइटर। तो सिगरेट लाइटर रे क्यों गैस टी यूज होइते, तो यहार करेक्ट आंसर टी होइबो ब्यूटेन। ओके द सिगरेट लाइटर रे ब्यूटेन गैस ती रहिते। ओके आ हे ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस टी जा की एलपीजी सिलेंडर रे रहिते। ओके तो ये ब्यूटेन और ब्यूटेन और प्रोपेन जा की एलपीजी सिलेंडर रे रहिते। ओके आ मीथेन जा की सीएनजी। ओके आ हे ब्यूटेन जा की सिगरेट लाइटर रे रहिते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट वेव्स आर डैश वेव्स। तो लाइट वेव क्यों टाइप रो वेव अटे, तो यहार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 4 INII। तो लाइट वेव आर ट्रांसवर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके तो यह बहुत ट्रांसवर्स एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अटे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड कैन नॉट बी ट्रैवल थ्रू टेस्ट। तो साउंड कहा द्वारा ट्रैवल कर पारे नहीं, कहा दे साउंड ट्रैवल कर पारे नहीं। तो यह सॉलिड दे ट्रैवल कर पारे, लिक्विड माध्यम रे मध्य ट्रैवल कर पारे, गैस माध्यम रे मध्य ट्रैवल कर पारे, किंतु वैक्यूम माध्यम रे साउंड ट्रैवल कर पारे नहीं। ओके तेणु एठारे करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 4। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर रे कौन यूज करा जाए बा केउटी थाए, तो यहार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके तो फायर एक्सटिंग्विशर रे कार्बन डाइऑक्साइड रहिथाय। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गैस इज फिल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब रे क्यों गैस टी रहिथाय, तो यहार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 4 INII। तो आर्गन एवं नाइट्रोजन ए दुईटी गैस जाके इलेक्ट्रिक बल्ब रे रहिथाय। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश। तो कहार डेफिशिएंसी बा अभाव रे स्कर्वी रोगटी होइथाय, तो यहार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 2 विटामिन सी। ओके तो विटामिन सी अभाव रे स्कर्वी रोगटी होइथाय। ओके तो सही परी विटामिन डी अभाव रे कोन होइथाय, तो माने रखंतु विटामिन डी अभाव रे रिकेट्स एवं ऑस्टियोमालेसिया रोग होइथाय। ओके तो विटामिन डी अभाव रे रिकेट्स एवं ऑस्टियोमालेसिया रोगटी होइथाय, आउ विटामिन ए अभाव रे जा कि नाइट ब्लाइंडनेस बा अंधार कणा होइते। ओके तो विटामिन ए अभाव रे अंधार कणा, विटामिन सी अभाव रे स्कर्वी एवं विटामिन डी अभाव रे रिकेट्स एवं ऑस्टियोमालेसिया रोगटी होइते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड बाय द कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल। द कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल रे क्यों प्रकार वेव यूज होता है,
तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन 3 इन्फ्रारेड वेव्स। ओके तो इन्फ्रारेड वेव्स टी जहाँ कि टीवी रिमोट कंट्रोल रे यूज होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बर्न्स इन ए न्यूबॉर्न बेबी। तो गोटे न्यूबॉर्न बेबी रे टोटल केतोटी बोन बा अस्थि रही था तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन 2 300। ओके तो गोटे न्यूबॉर्न बेबी बा नवजात शिशु शरीर रे टोटल 300 खंड अस्थि बा बोन रही था। ओके किंतु गोटे एडल्ट्स बा वयस्क कठारे 206 खंड रही था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एसिड कैन नॉट बी केप्ट इन ग्लास वेसल। तो ग्लास वेसल रे क्यों एसिड को रखा जाय परबो नहीं तबे यहाँ करेक्ट आंसर टी कौन हम आपण मैंने कमेंट करी जनातु। ओके आउ वीडियो टी हेल्पफुल लगी निश्चय यह गोटे लाइक कर देबे आउ चैनल को नुआ आसी एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। ओके धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित इज डैश अनटाइडी बॉय। तो यठार बॉय हेउची नाउन आउ एहाकु स्पेसिफाई करुची एडजेक्टिव अनटाइडी। ओके तो ही एडजेक्टिव रो अकॉर्डिंग आमे आर्टिकल टी यूज करिबा। ओके तो अनटाइडी तो यठार यू जहा कि भाउएल अटे एवं यठार भाउएल रो साउंड मध्य आसुची अ रो साउंड आसुची तेणु यठार केउ आर्टिकल लागिबो तो यठार लागिबो एन। ओके तो ऑप्शन बी हो जिबो एठारे करेक्ट आंसर। ओके तो रोहित इज एन अनटाइडी बॉय। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। तो एठारे नाउन हेउची अम्ब्रेला। ओके तो अम्ब्रेला रे फर्स्ट लेटर यू जहाँकि गोटे भाउएल अटे तेणु एठारे केउ आर्टिकल लागिबो तो एठारे लागिबो आर्टिकल एन। ओके तो ऑप्शन बी हो जिबो एठारे करेक्ट आंसर आई हैव कम विदाउट एन अम्ब्रेला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डैश लायन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट। तो एठारे लायन एवं किंग ए दुईटी ठारे केउ आर्टिकल लागिबो तो लायन एठारे जहाँकि कमन नाउन हिसाब रे यूज होची तो एठारे आर्टिकल द रे यूज हेबो। ओके और किंग तो यह गोटे स्पेसिफिक को बुझाऊँगी तेणु एठार द र यूज हे। ओके तो यठार ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। ओके तो यठार सेंटेंस टी हे द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट। ओके तो सिंह होउची पशु मानंकर राजा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डैश टाइम्स ऑफ इंडिया इज डैश पॉपुलर डेली। तो टाइम्स ऑफ इंडिया यह गोटे मैगजिन्र नाम। ओके तो मैगजिन्र नाम पूर्वर द र यूज होता है। ओके तो यठार ऑप्शन डी एवं ए जहाँ कि कटिज। ओके तो ऑप्शन सी आउ बी रे द लगी। ओके तो ये दुईटी मध्य क्यों ऑप्शन टी करेक्ट हे तो चलत देखा तो टाइम्स ऑफ इंडिया तो यठार द लगे पॉपुलर तो यठार पी जहाँ कि कंसोनेंट साउंड आस तो यठार आर्टिकल ए रो यूज हे। ओके तो ऑप्शन सी रे रही ए। ओके तो ऑप्शन सी हो यठार करेक्ट आंसर। ओके तो सेंटेंस टी हे द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए पॉपुलर डेली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डैश पंजाब व्हेयर ही वाज बॉर्न इज डैश डर्टी सिटी। तो पंजाब यह गोटे स्टेट रो नाम। ओके तो स्टेट रो नाम पूर्वर किंबा कंट्री रो नाम पूर्वर आर्टिकल द रो यूज होइ नै थै किंतु एठारे पंजाब जहाँ कि एक्सेप्शन केस तेणु एठारे द रो यूज हे। ओके आउ डर्टी सिटी तो एठारे केउ आर्टिकल लागिबो तो डर्टी जहाँ कि कंसोनेंट रो साउंड आसछि तो एठारे आर्टिकल ए लागिबो। ओके तो एठारे ऑप्शन सी हो जिबो करेक्ट आंसर। ओके तो द पंजाब इज व्हेयर ही वाज बॉर्न इज ए डर्टी सिटी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर मुन्ना त्रिपाठी इज डैश एमएलए। तो एमएलए तो यठार क्यों साउंड आसछि तो यठार एम
तो फास्ट ए रो साउंड आसची किंतु एठारे कंसोनेंट रहची किंतु एठारे ए रो साउंड आसची जहा कि भाउएल रो साउंड आसची तो भाउएल रो साउंड आसुथिले सेतिरे एन रो यूज होइथाय ओके तो एठारे एमएलए रे ए रो साउंड आसची जहा कि भाउएल अटे तेणु एठारे आर्टिकल एन रो यूज हबो ओके तो ऑप्शन बी हो जिवो एठारे करेक्ट आंसर ओके तो मिस्टर मुन्ना त्रिपाठी इज एन एमएलए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रीमेंडस ट्रीमेंडस माने कौन तो ट्रीमेंडस माने होची अत्यधिक बा एक्सेसिव तो यार सिनोनिम्स कौन हम तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन डी एक्सेसिव ओके तो ट्रीमेंडस रो सिनोनिम्स होची एक्सेसिव नेक्स्ट क्वेश्चन मेटिकुलस तो मेटिकुलस माने कौन जंत्रणादायक तो मेटिकुलस माने होची जंत्रणादायक तो यार करेक्ट आंसर टी हो यार सिनोनिम्स होची पेन स्टेकिंग बा पेन स्टेकिंग ओके तो पेन माने मध्य होची जंत्रणा तेणु यार सिनोनिम्स होची पेन स्टेकिंग ओके तो मेटिकुलस रो सिनोनिम्स होची पेन स्टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन अबंडेंट अबंडेंट माने कौन प्रचुर अत्यधिक तो अबंडेंट रो सिनोनिम्स कौन है तो यार सिनोनिम्स हो प्लेंटीफुल ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर तो प्लेंटीफुल माने मध्य होची प्रचुर तेणु अबंडेंट रो सिनोनिम्स होची प्लेंटीफुल नेक्स्ट क्वेश्चन एक्वांट तो एक्वांट माने कौन एक्वांट माने होची परिचय कराइबो ओके तो यार सिनोनिम्स कौन है इंट्रोड्यूस तो इंट्रोड्यूस माने मध्य होची परिचय कराइबो तेणु एठारे करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन बी एक्वांटेंट रो सिनोनिम्स होची इंट्रोड्यूस नेक्स्ट क्वेश्चन जामिनी रो प्रतिशब्द तबे जामिनी माने होची राती राती को जामिनी बोली कहा जाए तबे एहार प्रतिशब्द कोटा ऑप्शन ए रे दीछि दिन ऑप्शन बी रे दीछि मध्याह्न ऑप्शन सी रे दीछि सकाल ऑप्शन डी रे दीछि रात्रि तो एठारे करेक्ट आंसर टी होजब रात्रि तबे रात्रि होची जामिनी रो प्रतिशब्द तेबे रात्रि रो बा जामिनी रो क्यों क्यों प्रतिशब्द रही जानी रखत निशा निशी राति रजनी तेबे सब होची जामिनी रो प्रतिशब्द ओके तो निशा निशी राति रजनी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन शत्रुर प्रतिशब्द तेबे शत्रुर प्रतिशब्द कोटा ऑप्शन ए रे दीछि अही ऑप्शन बी रे दीछि मित्र ऑप्शन सी रे दीछि सखा ऑप्शन डी रे दीछि अरी तो अही माने हेउछि साप साप को अही बोली कहा जाए आ मित्र जहाँ कि सांग सखा मध्य सांग को कहा जाए तो एठारे शत्रुर प्रतिशब्द हो जिवो अरी तबे अरी माने होची शत्रु नेक्स्ट क्वेश्चन मु हजारीबाग जेल रे थाए रेखांकित तो पदटी क्यों प्रकार विशिष्य तो मु हजारीबाग जेल रे थाए तो हजारीबाग होची गोटे जेल रो नाम तो यह क्यों प्रकार विशिष्य हम ऑप्शन ए रे देछि नामवाचक विशिष्य ऑप्शन बी रे देछि जातिवाचक विशिष्य ऑप्शन सी रे देछि वस्तुवाचक विशिष्य तो एठारे करेक्ट आंसर टी हो नामवाचक विशिष्य कारण हजारीबाग हूँ गोटे जेल रो नाम तेणु यह हो गोटे नामवाचक विशिष्य ओके नेक्स्ट क्वेश्चन घंटशिला शिखे चाहिए से कहता दियोरे मेला मेलाणी मते रेखांकित तो पदटी क्यों प्रकार विशिष्य घंटशिला शिखे चाहिए से कहता दियोरे मेलाणी मते तो घंटशिला हूँ गोटे पर्वतर नाम तो यह क्यों प्रकार विशिष्य हम तो यह हो नामवाचक विशिष्य तो यठार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन डी नामवाचक विशिष्य ओके तेब घंटशिला हूँ गोटे पर्वतर नाम तेणु यह हो गोटे नामवाचक विशिष्य
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम शिक्षक माने राज्य और जातीय पुरस्कार लाभ करती, रेखांकित पदटी क्यों प्रकार विशिष्य। उत्तम शिक्षक माने, तो शिक्षक माने गोटे जाति को बुझाऊ, शिक्षक जहाँ कि गोटे शिक्षक जातिर समस्त शिक्षक को बुझाऊ। ओके तो यठार ऑप्शन ए रे दी जातिवाचक विशिष्य, ऑप्शन बी रे दी वस्तुवाचक विशिष्य। तेबे एठार करेक्ट आंसर टी हो जातिवाचक विशिष्य, कारण शिक्षक कहिले शिक्षक जातिर समस्त शिक्षक को बुझाई थाए, तेणु यह हो गोटे जातिवाचक विशिष्य। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र माने छात्री मानंक अपेक्षा परीक्षा रे भल करिसंती, छात्री माने छात्र मानंक अपेक्षा परीक्षा रे भल करिसंती, रेखांकित पद गुड़िक क्यों प्रकार विशिष्य। तो एठारे रेखांकित पदटी होची छात्री माने, तो छात्री माने क्यों प्रकार विशिष्य अटे। एठारे ऑप्शन ए रे दी वस्तुवाचक विशिष्य, ऑप्शन बी रे दी गुणवाचक विशिष्य, ऑप्शन सी रे दी नामवाचक विशिष्य, ऑप्शन डी रे दी जातिवाचक विशिष्य। तो यठार करेक्ट आंसर टी हो जातिवाचक विशिष्य, कारण छात्री समस्त छात्री को बुझाई थाए, तेणु यह हो गोटे जातिवाचक विशिष्य। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका मानंक मध्यरे कल्पना बुद्धिमती, रेखांकित पद दुईटी क्रमान्वय क्यों प्रकार विशिष्य। तो यठार रेखांकित पद दुईटी होची बालिका मानंक आउ गोटे हला कल्पना, तो बालिका मानंक यह बालिका गोटे जाति को बुझाऊ, एवं कल्पना यह गोटे झीर नाम को बुझाऊ, तो यह हो गोटे नामवाचक विशिष्य, आउ बालिका माने हम जातिवाचक विशिष्य। ओके तो यठार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन सी जातिवाचक एवं नामवाचक, बालिका माने हूँ जातिवाचक विशिष्य एवं कल्पना हूँ गोटे नामवाचक विशिष्य। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लुहा एक दरकारी धातु, यह कि प्रकार विशिष्य। तेबे लुहा, लुहा हूँ गोटे धातुर नाम बा गोटे वस्तुर नाम, तो यह क्यों प्रकार विशिष्य। लुहा गोटे वस्तुर नाम को बुझाऊ, तेणु यह हो वस्तुवाचक विशिष्य। ओके तो लुहा हूँ गोटे वस्तुवाचक विशिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंटी अंतर पुत्र पुत्र शब्दर अर्थ, तो अंतर पुत्र शब्दर अर्थ कौन। तो यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन सी रक्षितार गर्भजात पुत्र। ओके तो रक्षितार गर्भजात पुत्र जहाँकि अंतर पुत्र। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नश्वर शब्दर अर्थ कौन, तो नश्वर शब्दर अर्थ हूँ ऑप्शन डी जहाँ अस्थाई। ओके तो नश्वर अर्थ हूँ जहाँ अस्थाई, ताको नश्वर कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विन्न शब्दटी क्यों अर्थ को बुझाए, तो निर्विन्न शब्दर अर्थ कौन। तेबे एठार करेक्ट आंसर टी हो अनुतप्त। ओके तो निर्विन्न शब्दर अर्थ हूँ अनुतप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवारी शब्दर अर्थ कौन, तो परिवारी शब्दर अर्थ हूँ पोइली, ऑप्शन सी हूँ एठारे करेक्ट आंसर। ओके तो परिवारी शब्दर अर्थ हूँ पोइली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ गुडनेस इज कोडेड एज HNPCODTR देन ग्रेटनेस विल बी कोडेड एज डैश। तो यठार गुडनेस जहाँकि गुडनेस रो कोड होची HNPCODTR, तो सही परी ग्रेटनेस रो कोड किपरी हबो, तो देखों तो एठारे गुडनेस। तो ये गुडनेस क्यों लॉजिक अनुसार HNPCODTR होची, तो जी परे जाकी वन होई, जी परे एच होई थे, तो यठार प्लस वन हो,
तापर ओ पर एठारे एन तो एठारे माइनस वन कारण एन ओ रु माइनस वन कले एन हे तो तापर ओ पर एठारे पी लेखा हो तो एठारे प्लस वन हो तो तापर डी सी तो एठारे माइनस वन तापर एन ओ एठारे प्लस वन तापर इ डी एठारे माइनस वन तापर एस रु टी एठारे प्लस वन तापर एस आर जहाँकि माइनस वन तो एठारे प्लस वन एवं माइनस वन रो लॉजिक लगी ओके तो जी रे प्लस वन कला को एच है तापर ओ रे माइनस वन कले एन हो तो एन पर ओ आसी था तो ओ रे माइनस वन कले एन हे तो तापर प्लस वन ओ रे प्लस वन कले पी हो डी डी रे माइनस वन कर जहाँफल सी हो एन रे प्लस वन कर जहाँफल ओ हो ई रे माइनस वन रु डी हो एस रे प्लस वन कर जहाँफल टी हो एस पर टी तापर आउ गोटे एस रे माइनस वन जहाँफल आर हो ओके तो यठार प्लस वन और माइनस वन लॉजिकटी लगी तो से हीपरी ग्रेटनेस को कले कौन हे चलत देखिबा तो ग्रेटनेस जी रे प्लस वन कले हे एच तापर आर रे माइनस वन कले हे क्यू तापर इ रे प्लस वन कले हे एफ तापर ए रे माइनस वन कले हे झेड तापर टी रे प्लस वन कले हे यू तापर एन रे माइनस वन कले हे एम तापर ई रे प्लस वन कले हे एफ आउ एस रे माइनस वन कले हे आर आउ एस रे प्लस वन कले हे टी तो एठार होच क्यू एफ झेड यू एम एफ आर टी तो यह क्यों ऑप्शन रे रही एच क्यू एफ झेड यू एम एफ आर टी तो ऑप्शन फोर होठार करेक्ट आंसर तो बुझीपारे एठार प्लस वन तापर माइनस वन तापर आओ प्लस वन माइनस वन यहीपर चली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इफ 23 इंटु 16 इक्वल टू 184 37 इंटु 10 इक्वल टू 185 देन 85 इंटु 12 इक्वल टू डैश तो 23 इंटु 16 जहाँकि 184 होपर 37 इंटु 10 185 तो सहीपर 85 इंटु 12 कले कौन हे तो फास्ट देखते ये क्यों लॉजिक लगी तो 23 इंटु 16 केते हे तो यठार षोल तीर अड़चाश अड़चाश आठ रहा चार षोल दुने बतीस बतीस आ चार 36 तो 23 इंटु 16 कले 368 तो यह कौन कराफल 184 अच्छी तो यह आम जदि दुई द्वारा डिवाइड करवा तो कौन हम दुई एक दुई दुई एक दुई दुई अष्ट षोल दुई चौ आठ तो 184 तो यार कौन बुझे तो यह इंटु करपाइड कराफल 184 ओके तो तापर देखा 37 इंटु 10 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 के 2 दुई पंच 10 तो 37 इंटु 5 कौन हम तो 5 सता 35 35 रो 5 रहिला 3 तापर 5 3 15 15 आउ 3 18 तो 185 हला तो सहीपर 85 इंटु 12 को करवा 85 इंटु 12 डिवाइडेड बाय 2 तो दुई एक दुई दुई छके बार तापर यह गुणन करवा छ पंचा तीस तीस रून रहा थ्री तापर छ अष्टा अड़चाश अड़चाश आउ तीन 51 तो केते हला 510 तो यठार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन वन तो बुझीपारे एठार प्रथम गुणन करपर यह दुई द्वारा डिवाइड करा जाए जहाँफल आंसर बाहरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग ए गर्ल अंजलि सेज सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ द सन ऑफ माय मदर, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू अंजलि। तो एठारे अंजलि जहाँकि गोटे गर्ल को इंट्रोड्यूस करुच्ची, तो इंट्रोड्यूस करके कहुची सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ द सन ऑफ माय मदर। तो अंजलिर मार पुअर एकमात्र भौणीर झियो, तो से झियो सहित अंजलिर रिलेशन कौन हेबो। तो देखंतु अंजलिर मा, तो अंजलिर मार पुअ, तो अंजलिर भाई हेबो, तो तापरे तार भाईर एकमात्र भौणी, तो एकमात्र भौणी किए अंजलि, तो तार भाईर एकमात्र भौणीर झियो, तो एकमात्र भौणी जहाँकि अंजलि, अंजलिर झियो, तो तार डॉटर हेबो। तो अंजलि सहित से झियोर रिलेशन कौन हेबो, डॉटर। तो बुझिपारे, तो एठारे करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन टू डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो एठारे चारोटी ऑप्शन मध्यरु केउटा ओड माने होची अलगा, तो केउटा अलगा रहिची, तो बिगर, ग्रेटर, फास्टर एवं टलर। तो ये चारोटी मध्यरु केउटी अलगा रहिची, तो बिगर, ग्रेटर एवं टलर जहाँकि गोटे साइज किंबा शेप को बुझाऊँ, किंतु फास्टर जहाँकि गोटे मैनर को बुझाऊँ, तो यह अलग रही, तेणु एठार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन थ्री फास्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। तो एठार नंबर गोटे सीरीज दि जाए, तो ये सीरीज अनुसार, तो एठार क्यों संख्या हेबो, तो आम प्रथम सानरु बड़ क्रम देखा, तो इलेवेन रु 44 रही, तो यठार डिफरेन्स के, तो इलेवेन रे 4 इंटू कर जहाँफल कि 44 रही, तो इलेवेन इंटू 4 कले जहाँकि 44 हेबो। तो 44 रु 176 हो, तो 44 इंटू 4, तो 44 इंटू 4 कले के 176, तो सहीपरी 176 इंटू 4 कले के, तो 176 इंटू 4 कले हे 704, तो 704 हो जाए करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन 1 हो जाए करेक्ट आंसर। तो बुझिपारे, तो यठार 4 इंटू कर, तो 11 इंटू 4 कलरु जहाँकि 44 है, तापर 44 इंटू 4 कलरु जहाँकि 176 है, तो सहीपर 176 इंटू 4 कले हे 704। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड ऑक्युपेशनल। तो एठारे ऑक्युपेशनल गोटे वर्ड दिया जाइछि, तो ही वर्ड को यूज करी क्यों वर्ड टी फॉर्म करा जाई परबो, सॉरी यार लेटर को यूज करी क्यों वर्ड टी फॉर्म होई परबो। तो चलंतु देखिबा, तो फर्स्ट रे देछि एन ए टी यू आर एल नेचुरल, तो एन एठारे रहिछि एन, तो ए ए मध्य रही, टी मध्य रही, यू यू मध्य रही, आर आर जहाँकि ऑक्युपेशनल रे नहीं, तो ऑक्युपेशनल को यूज कर नेचुरल वर्ड टी फॉर्म करा जाई परबो नहीं। तो तापर देखिबा पर्सन, तो पर्सन पी रही, तो एठारे मध्य पी रही, ओ एठारे मध्य ओ रही, आर तो एठारे आर नहीं, तो यह मध्य होई परबो नहीं। तापर देखिबा रेशनल, तो रेशनल रे मध्य आर रही जहाँकि ऑक्युपेशनल रे नहीं, तो यह मध्य फॉर्म हो पारिबो नहीं। तापरे रहिला लास्ट ऑप्शन, तो एठारे ओ रही, एठारे मध्य ओ रही, तापरे एठारे पी रही, एठारे मध्य पी रही, तापरे टी एठारे मध्य टी रही, तापरे आई एठारे मध्य आई रही, तापरे ओ ओ रही, एन ए एल एठारे मध्य एन एल रही। तो यही ऑप्शनल वर्ड टी जहाँकि ऑक्युपेशनल वर्ड को यूज करी फॉर्म करा जाई परिबो। ओके, तेणु एठारे करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 4 ऑप्शनल।